हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑनलाइन ट्यूशन हिंदी चैनल। दोस्तों, यदि आप एक पीएफ एम्प्लॉय हैं और आपका पीएफ कटता है तो आप कभी ना कभी पीएफ निकालोगे। अगर आप पीएफ निकालोगे तो आपको कहीं ना कहीं अपना कंपनी में रिज़ाइन भी देना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से ही अपना रिज़ाइन खुद लगा सकते हैं। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं कंपनी का कोई चक्कर नहीं लगाना है। आप सिर्फ ये वीडियो देखिएगा और ये वीडियो देखने के बाद अपना रिज़ाइन आप खुद लगा सकते हो बहुत आसानी से। तो अब इसको देखिए, ऑनलाइन कर दिया गया है, तो ऑनलाइन रिज़ाइन कैसे लगाते हैं वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो इसके लिए देखिए, हम चलते हैं अपने पीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर और हमें मेंबर पोर्टल को ओपन करना है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट के मेंबर पोर्टल पर आने के बाद आपको अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालकर इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपका पीएफ डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए करना क्या है, यहाँ पे आपको ऊपर मेन्यू बार दिख रहा है, तो यहाँ मेन्यू बार में आपको मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन दिखेगा मार्क एग्जिट का। मार्क एग्जिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ आपको जो आपकी कंपनियाँ हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगी। अब इस लिस्ट से आपको जिस कंपनी में रिज़ाइन लगाना है आप वो कंपनी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि आप यहाँ पे एग्जिट डेट कैसे लगाएं या आप एग्जिट डेट कहाँ से लाएंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखिए इसका समाधान यहीं पर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, इधर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर एम्प्लॉयर लास्ट कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको अगस्त 2021 देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे आपकी जो लास्ट कंट्रीब्यूशन यानी कि आपका जो कंपनी में लास्ट पीएफ कटा होगा तो वो आपको यहाँ पे दिन तारीख आपको शो हो जाएगी। तो आपको इसी से अपना रिजाइन यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए सेलेक्ट एग्जिट डेट का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक कैलेंडर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए वही लास्ट डेट आपको दिखेगी जो आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन होगा यानी कि जो आपका लास्ट पीएफ कटा होगा। तो यहाँ पे देखिए आप उस महीने की लास्ट डेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए 31 अगस्त यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी हमें वही सेम डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद देखिए हम अपना कंपनी छोड़ने का यानी कि रिज़ाइन लगाने का रीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी रीज़न सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए लास्ट वाला शॉर्ट सर्विस वाला आपको सजेस्ट करूँगा, आप ये वाला रीज़न यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। रीज़न सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन बॉक्स है, आपको इसको टिक करना है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस मोबाइल नंबर पे आपके एक ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी आपको इसमें एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको नीचे एक डिक्लेरेशन बॉक्स दिखेगा, आपको इसको भी चेक करना है। उसके बाद आपको नीचे सबमिट बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका रिजाइन है एग्जिट डेट है वो आपके यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों, इतना सा काम है ऑनलाइन रिजाइन लगाने में। उसके बाद आप यहाँ पे इसको ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी यहाँ पे हमें सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, आपने किस डेट में इसको रिजाइन लगाया और आपकी एग्जिट डेट वगैरह आपको यहाँ पे सारी डिटेल शो हो जाएगी। तो गाइज, इस तरह से हम देखिए अपना ऑनलाइन रिजाइन लगा सकते हैं। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस डालते रहते हैं।